सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित, आनंद होंगे। विगत कुछ दिनों से, पिछले सप्ताह से मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक तीसरा अध्याय जो है आपका क्लास का अध्याय स्टार्ट किया था, और इसका ये अब आज समझिए अंतिम लेक्चर, छठवां लेक्चर है, और ये अंतिम लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में जो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स थी, मैंने अधिकतम प्रॉब्लम्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने का प्रयास किया है और इसमें पढ़ाया भी है। अब विगत जो है पांच लेक्चरों को, जो विगत पांच लेक्चर्स इस पर हुए हैं, उन्हें आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हर रोज कुछ ना कुछ दिए जाते हैं, जिन्हें भी आप कर रहे होंगे। और यदि इन केस कहीं किसी प्रॉब्लम में जो है, इस क्वेश्चन में जो है कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि मेल आईडी के थ्रू उस डाउट को और उसको जो है आप क्लियर करा सकते हैं। तो आगे आज जो मैं आपको लेने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैंने का चर्चा कर आपसे पिछले कार्य की समीक्षा। तो आशा कर रहा हूं कि विगत जो है से पढ़ाए गए लेक्चर्स की आप निश्चित रूप से एक प्रॉपर नोटबुक तैयार कर रहे होंगे, और जिस प्रॉपर नोटबुक में सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे, निश्चित रूप से वो क्वेश्चन जब आपको आवश्यकता होगी उनके सॉल्यूशन की या उनको देखने की, समझ में कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप उन्हें देख सकेंगे। इस नाते अपनी एक प्रॉपर जो है नोटबुक तैयार करना, ये मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि जो भी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पहले मैंने जो है लगभग 24 लेक्चर इंटीग्रेशन पर किए आपको दिए, और 24 व्याख्यानों में मैंने इंटीग्रेशन पूरा जो है लगभग आपका कंप्लीट करा दिया। अब नया चैप्टर भी पिछले सप्ताह से शुरू किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस पर भी पांच लेक्चर पूरे हो गए। आज इसका जो है अंतिम लेक्चर, छठवां लेक्चर जो है लेकर के आपके सामने जुड़ा हूँ। इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि कोई प्रॉब्लम इसके बाद ज्यादातर बचे नहीं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन संकलित करके मैंने हल कराने का प्रयास किया। और आपसे भी आशा करता हूं कि निश्चित रूप से यदि आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, तो निश्चित जो आपको इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को जो है आप निश्चित रूप से कर सकेंगे और किए भी होंगे। अब आज के अंतिम लेक्चर के बाद ये चैप्टर पूरा हो रहा है। अगले दिन आपको केवल जो है संडे है, वीकली टेस्ट के तौर पे आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। टेस्ट पेपर के तौर में जो है वीकली टेस्ट में आपको क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को जो है जो आपको हम अगले दिन उस पर डालेंगे नेट पर, तो ध्यान से यूट्यूब चैनल पर तथा जो है ग्रुप पे भी डालेंगे, तो ध्यान पूर्वक आप इस बात का जो है वो रखेंगे कि निश्चित रूप से उस टेस्ट के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो सप्ताह में जो आपने सीखा, क्या सीखा सप्ताह भर में आपने, ये इसका जो है आप आत्मावलोकन कर सकेंगे टेस्ट के माध्यम से। फिर भी यदि कोई क्वेरी होती है तो उन्हें आप जो है मेल आईडी के थ्रू क्लियर करा सकते हैं। धन्यवाद। आगे का आज फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्लास का, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन पर है। समीकरण साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को हल कीजिए। समीकरण है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए दिया है, हल में हमने लिखा दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। तो इस फॉर्मूले से यहां हमने यूज किया साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस जो है एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जो है
एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दाएं पक्ष में जैसा लिखा था कॉस इनवर्स एक्स वैसे ही लिखा। पुनः अगले स्टेप में बच्चों देखें साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोला हमने तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया माइनस प्लस का इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चूंकि फंक्शन साइन में था इस तरह भी कॉस इनवर्स को भी हम साइन इनवर्स के फॉर्म में बदला तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहां हमने इसे कन्वर्ट कर लिया sin इनवर्स में और दोनों तरफ से चूंकि इनवर्स होने से ये खत्म हो गया और या x इनटू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इन इनटू 1 माइनस x ब्रैकेट में इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसको हम साइड ट्रांसपोजिशन से बाएं तरफ ले आए या अब यहाँ x स्क्वायर रूट ऑफ जो है 2x माइनस x स्क्वायर 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ से 2x माइनस x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको पुनः हम इनमें से कॉमन लिया हमने अगले में जो है कॉमन इसमें से ले लेते हैं। पहले तो इस स्टेप को वैसे ही लिखा है x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस x स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन था इन दोनों के कॉमन से हमने जो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाला तो यहाँ से बचा जो है आपका 1 माइनस एक्स और यहाँ से माइनस 1 बचा तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का एक्स इसके बाद तो कॉमन ले लिया माइनस एक्स था एक्स दोनों में से कॉमन है तो एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में यहाँ से बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू 0। अब यदि x बराबर एक तो होगा दोनों का गुणनफल शून्य है तो या तो x बराबर 0 यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तब स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क किया हमने तो यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जो है एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ माइनस का कैंसिल हो गया 2x इज इक्वल टू जो है 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो x की फर्स्ट वैल्यू तो जो हमने यहाँ निकाली थी x इज इक्वल टू 0 लिया था दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू जो है 1 बाई 2 आई है और x बराबर तब यहाँ मान हो गया 0 इंटू 1 बाई 2 0 कॉमा 1 बाई 2 दो मान हो गए 0 एक मान x का 0 आया एक आया 1 बाई 2 यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा प्रश्न है आपके जो है स्क्रीन पर है समीकरण tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x को हल करना है। तो हमने यहाँ इसको लिया यहाँ हल में tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। यहाँ हमने tan इनवर्स सूत्र हमने पढ़ा है चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये फॉर्मूला होता है। इसमें x की जगह x माइनस 1 तो सबसे पहले हमने यहाँ बाएं पक्ष में tan इनवर्स और इसको बाएं पक्ष को वैसे ही हल करना प्रारंभ किया सूत्र लगाया x माइनस 1 प्लस का x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में 1 माइनस पहले दूसरे पद का x माइनस 1 इंटू x माइनस दूसरे तीसरे पद का तो x इंटू x प्लस 1 माइनस पहले और तीसरे x प्लस 1 का x माइनस 1 में तो माइनस का x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x एचटीज लिखा। यहाँ हम सिंप्लीफाई करके इसको tan इनवर्स यहाँ हमने x प्लस x प्लस x 3x हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया 3x माइनस और इनका अंदर हमने जो है गुणा किया तो यहाँ x क्यूब माइनस तीनों का गुणा कर लिया x क्यूब माइनस x आया बाहर माइनस है तो x क्यूब माइनस का होगा प्लस का x हो गया अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर इन दोनों का गुणा करके ये निकाला 1 माइनस x प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ अब अगले स्टेप में इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री था, दोनों तरफ से टेन इनवर्स खत्म किया, फोर एक्स माइनस ऊपर से समराइज करके थ्री एक्स और एक्स मिलकर के फोर एक्स हो गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसका थ्री एक्स का मल्टीप्लाई किया, फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस का जो है नाइन एक्स क्यूब, और नाइन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जो है जीरो, इस तरह से एट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से टू एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, अगले स्टेप में फिर हम इसे हल करते हैं, इसका मान अगले देखो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान आकर्षित करते हुए आपका 2x अगले स्टेप में इनटू जो है 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमने 2x कॉमन निकाला, यदि अब 2x इज इक्वल टू 0 तब x बराबर 0, यदि 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 तब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ x के तीन मान हो गए, x इज इक्वल टू 0, x is equal to 1 by 2, x is equal to minus 1 by 2, जिसको हमने plus minus 1 by 2 लिख दिया, तीनों मान हो गए। क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों देखिए क्लास का समीकरण sin इनवर्स 5 upon x plus sin इनवर्स 12 upon x is equal to pi by 2 को हल कीजिए, इसको हल करना है, तो इसे हल करने के लिए यहाँ हमने हल में लिखा है इसे sin इनवर्स 5 upon x plus का sin इनवर्स 12 upon x is equal to pi by 2, यहाँ हम जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर तब पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फिर हम कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ हमने पहले सिंपल करने के लिए साइन इनवर्स फाइव अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, इसको ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतरण किया माइनस का साइन इनवर्स ट्वेल्व अपॉन एक्स, तो चूंकि सूत्र लिखा हुआ है यहाँ cos इनवर्स x और पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, x की जगह 12 अपॉन x जो लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ चूंकि साइन इनवर्स यहाँ भी साइन इनवर्स 5 अपॉन x है, तो इसको हमने cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर की जगह 5 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने लिखा cos इनवर्स 12 अपॉन x, और दोनों तरफ cos इनवर्स है, दोनों पक्षों से जो cos इनवर्स गायब हो गया, अब यहाँ खत्म कर दिया, या इसको इस तरफ लाए cos cos इनवर्स लिखेंगे या इसको इस तरफ, तो यहाँ खत्म हो जाएगा इनवर्स, और स्क्वायर रूट में 1 माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन x, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क करने पर हमने देखा स्क्वायर रूट हट गया, 1 माइनस 25 अपॉन जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन जो है x स्क्वायर, 12 बटे x का वर्क किया 144 बटे x स्क्वायर, 1 बराबर 25 बटे x स्क्वायर धन 144 बटे x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 बटे x स्क्वायर, और 169 बटे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 169 x स्क्वायर बराबर, वर्गमूल लिया दोनों तरफ का तो x बराबर प्लस माइनस 13, यही हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को समीकरण tan इनवर्स जो है ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू अल्फा को हल कीजिए, इसे हमें अल्फा का के लिए जो है दिया गया इज इक्वल टू अल्फा, तो एक्स का मान निकालना है समीकरण को हल करके, हमें हल में टेन इनवर्स जैसा लिखा था वैसे लिखा, ब्रैकेट बड़े कोष्टक के अंतर्गत अंश में लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ चूंकि आगे हम इसको टेन अल्फा लिख लेंगे और इसको हम लिख करके टेन अल्फा बराबर जो है क्या लिख दिया हम टेन अल्फा अपॉन एक लिखे इसको यहाँ लिया टेन अल्फा और ये यहाँ दाएं तरफ इसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने केवल इसमें tan अल्फा को इस तरफ बाएं तरफ लिख दिया और बाएं वाले पद को दाएं पक्ष में लिख दिया, इससे कोई अंतर चाहे ये बटे जो है इसको लिखो या इसके बराबर में tan अल्फा लिखो, तो हमने tan अल्फा को इस तरफ ले लिया। अब यहाँ योग और अंतर का अनुपात लगाया, बटे में एक था, योग और अंतर का अनुपात होता है अंश में हर को जो है जोड़ना, हर में से अंश को घटा के हर के रूप में लिखना दोनों तरफ,
वही काम। तो अंश में टेन अल्फा था, टेन अल्फा में हर में जो है एक था, एक को जोड़ दिया टेन अल्फा प्लस वन अपॉन, नीचे अंश में से हर को घटाना, टेन अल्फा में से एक को घटाया टेन अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू। वैसे ही दाएं पक्ष में अंश में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जोड़ दिया हर को हमने रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस का जो है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होने से कैंसिल हो गया। और नीचे वही चीज, इसमें से इसको हमने घटाया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में से हर वाले पद को घटाएं, दोनों माइनस हो गए, माइनस का रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का होने से नीचे से ये कैंसिल हो गए। अब ये ऊपर जुड़ करके दोगुना, ये भी ऊपर नीचे से जुड़ के दोगुना हो गया। और अगले स्टेप में टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी अपॉन माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, दो से दो काट दिया। और इसको हमने टेन अल्फा प्लस वन को साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस वन अर्थात एलसीएम लेके हल करके साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा, धन नीचे वाले को साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा में से एक घटाएंगे तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा लिखा इज इक्वल टू जैसा लिखा था दाएं पक्ष में स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। और अगले स्टेप में हम बच्चों आगे हल करके इसको लिखते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ वर्ग किया स्क्वायर रूट हट गया वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ चूंकि जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन टू अल्फा सॉरी टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा। अगले स्टेप में हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस कर दिया वन से तो वन प्लस और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को जो हमने रिप्लेस किया साइन टू अल्फा से तो वन प्लस साइन टू अल्फा, वही सेम नीचे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस कर दिया वन से और माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के स्थान पर दिया माइनस का साइन टू अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः हमने योग और अंतर का पुनः योगांतरानुपात लगाया, अंश में हर को जोड़ दिया, हर में से जो है अंश में से हर को घटा के हर के रूप में लिखा, यही योग और अंतर का अनुपात है। तो अंश में हर को जोड़ा हमने वन प्लस साइन टू अल्फा प्लस वन माइनस साइन टू अल्फा अपॉन वन प्लस साइन टू अल्फा माइनस वन प्लस का साइन टू अल्फा हो गया। ऊपर से जो है साइन टू अल्फा कटा, नीचे से वन से वन कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ा तो एक्स स्क्वायर कट गया और वन वन मिलकर टू होगा। अगले स्टेप में नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर में से वन माइनस एक्स स्क्वायर को हटाया तो माइनस वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया। और इस तरफ आपने देखा न्यूमरेटर में आपका टू बचा और डेनोमेटर में टू साइन टू अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में टू और डेनोमेटर में जो है टू एक्स स्क्वायर, अंश में दो और हर में दो एक्स स्क्वायर, तो दो से दो यहाँ भी कट गया यहाँ से भी दो से दो कट गया, वन अपॉन साइन टू अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू अल्फा एक्स। अब दोनों पदों का हमने वर्गमूल लिया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा का वर्गमूल लिया, यही हमारा हल हो गया समीकरण का एक्स बराबर प्लस माइनस साइन टू अल्फा। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, यदि m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा तो सिद्ध करो कि 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस इन ब्रैकेट tan इनवर्स n माइनस 1 n माइनस m अपॉन जो n प्लस m ब्रैकेट क्लोज किया इनटू tan अल्फा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हल में अगले यहाँ स्टेप में हल में लिखा हमने m tan alpha minus theta upon cos square theta is equal to n tan theta upon cos square alpha minus theta, तब इसका हमने त्रिअक गुणा कर लिया इसका इसमें और इसका इसमें,
तो यहाँ m tan alpha minus theta into cos square alpha minus theta is equal to n tan theta into cos square theta. अब यहाँ चूंकि tan theta को tan alpha minus theta को sin alpha minus theta बटे cos alpha minus theta लिखेंगे, तो ये cos alpha minus theta जो ऊपर नीचे से cancel हो गया और m into यहाँ बचा sin alpha minus theta into cos alpha minus theta. सेम यहाँ भी n into tan theta into cos square theta था, tan theta को sin theta बटे cos theta लिखा, तो ये cos theta से cos square theta के कम हो गया, घात इसमें भाग दिया, तो यहाँ बचा is equal to n sin theta into cos theta. तो अब इसमें हमने क्योंकि इसको हम n upon n के फॉर्म में बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ हमें n minus n upon n plus n करना m करना है, इसलिए इसको हम n बटे m लिखा हमने, इसको n के नीचे m ले गए और इसको ले गए इसके नीचे, तो sin अब यहाँ दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, इसमें दो का गुणा करने से क्योंकि इसलिए दो का गुणा किया क्योंकि ये sin 2 थीटा वाले फॉर्म में 2 अल्फा माइनस थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर किया वही नीचे कर दिया, n अपॉन m बराबर जो है यहाँ 2 sin अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा और बटे में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. अब यहाँ इसको अगले स्टेप में हमने लिखा sin 2 अल्फा बराबर में sin 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन sin 2 थीटा. अब हमने n अपॉन m इज इक्वल टू sin 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन sin 2 थीटा अंतर एवं योग के अनुपात से, अंतर और योग का अनुपात पहले अंश में से हर को अंतर योगानुपात से किया हमने, तो इसमें अंश में से हर को पहले हमने घटाया दोनों तरफ n माइनस m नीचे n प्लस m नीचे जो है अंश में हर को जोड़ के लिखा इज इक्वल टू यहाँ भी हमने अंश में से हर को घटाया sin 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस sin 2 थीटा बटे sin 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस का sin 2 थीटा, इसे यहाँ इसके साथ इस तरफ जोड़ा वैसे ही यहाँ भी हमने इसे जोड़ दिया. आगे का अगले स्टेप में देखिए. हाँ प्यारे बच्चों देखिए आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए स्क्रीन पर देखिए n माइनस m अपॉन n प्लस m अगले स्टेप में इज इक्वल टू 2 cos. अब यहाँ cos c cos d वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहाँ cos c माइनस sin c माइनस sin d को 2 cos c प्लस d बाई 2, तो यहाँ 2 cos 2 इंटू c की जगह अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, इंटू sin 2 इंटू जो है अल्फा माइनस थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया और यहाँ नीचे हर के रूप में वही हमने c प्लस d वाला sin c प्लस sin d बराबर सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin 2 इंटू अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू जो है cos 2 इंटू यहाँ अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और अगले स्टेप में हमने n माइनस m अपॉन n प्लस m इज इक्वल टू cos alpha into जो है sin alpha minus 2 theta upon sin alpha cos alpha minus 2 theta is equal to cos alpha बटे sin alpha cot alpha हो गया, sin alpha minus 2 theta बटे cos alpha tan alpha minus 2 theta हो गया. और अब हमने चूंकि cot alpha बराबर 1 upon tan alpha होता है, तो इसमें हमने cot alpha को अगले में 1 upon tan alpha लिखा, तो n minus m upon n plus m बराबर tan alpha minus 2 theta upon tan alpha. और तब इसका यहाँ हमने त्रिया गुणा कर लिया n माइनस m अपॉन n प्लस m tan alpha इज इक्वल टू tan alpha माइनस 2 थीटा. और तब यहाँ हमने इसको चेंज किया अगले स्टेप में tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m tan alpha इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 थीटा, तो इसको अल्फा माइनस 2 थीटा को इस तरह से लिखा और 2 थीटा को अब हम साइज ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरफ लाते हैं या 2 थीटा बराबर अल्फा में से tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m ब्रैकेट 1 tan अल्फा, इसको हम घटा देंगे इस तरफ लाएंगे दाएं पक्ष में आएगा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस ब्रैकेट में tan इनवर्स ब्रैकेट में n माइनस m अपॉन n प्लस m ब्रैकेट क्लोज किया tan अल्फा ब्रैकेट क्लोज किया, हेंस प्रूव्ड. यही हमें इसमें रिजल्ट सिद्ध करना था 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, अतः यही सिद्ध हो गया. अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है. यदि इन ब्रैकेट sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a ब्रैकेट क्लोज किया, तो x का मान ज्ञात करना, ये भी एक समीकरण दिया गया है, इसमें हमें x के लिए हल करना है इस समीकरण को. तो हल में हमने sec inverse x upon a minus sec inverse x upon b
इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। यहां हमने चूंकि जानते हैं, अभी हमने यहां sec इनवर्स थोड़ा सा इस पक्ष को b को b के साथ, a को a के साथ रखते हुए अगले स्टेप में हमने यहां लिखा इनको, या sec इनवर्स x अपॉन a प्लस माइनस का sec इनवर्स a था, इस तरफ ले आए दाहिने साइड से बाएं साइड ले आए, प्लस का हो गया sec इनवर्स a इज इक्वल टू माइनस sec इनवर्स x अपॉन b था, इसको दूसरे तरफ ले गए दाहिने तरफ, तो ये प्लस का हो गया sec इनवर्स x अपॉन b प्लस sec इनवर्स b। अब चूंकि हम जानते हैं sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x, sec और cos में व्युत्क्रम संबंध होता है, इसलिए sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, या cos इनवर्स a अपॉन x प्लस का cos इनवर्स 1 अपॉन a, sec इनवर्स a को cos इनवर्स 1 अपॉन a, sec इनवर्स x अपॉन a को cos इनवर्स a अपॉन x लिखा, इज इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन b को cos इनवर्स b अपॉन x प्लस sec इनवर्स b को cos इनवर्स प्लस का cos इनवर्स 1 अपॉन b। अब यहां पुनः हमने फॉर्मूला लगाया, वही sec इनवर्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स जो है y वाला फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो यही हमने इन दोनों के बीच में प्रयोग किया, या अगले स्टेप में cos इनवर्स a अपॉन x इनटू जो है 1 अपॉन a माइनस स्क्वायर रूट में पहले 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू cos इनवर्स पुनः x के स्थान पर b अपॉन x, b अपॉन y के स्थान पर 1 अपॉन b इनटू जो है 1 अपॉन b माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ पहले 1 माइनस b अपॉन x का होल स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू दूसरे हैं 1 माइनस y स्क्वायर अर्थात 1 माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन b स्क्वायर हो गया माइनस 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। क्योंकि दोनों तरफ cos इनवर्स था तो दोनों तरफ cos में ही फंक्शन था, ये कैंसिल हो गया और 1 अपॉन x बराबर था, हमने लिखा 1 अपॉन x माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर हमने इनका गुणा करके लिख लिया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी 1 अपॉन जो बी अपॉन एक्स का 1 अपॉन बी में हुआ तो बी से बी कैंसिल हो गया 1 अपॉन एक्स आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका इसमें गुणा किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ से या माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो गया, या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी 1 माइनस जो है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों में 1 से 1 कट गया, इस तरफ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में कट गया, यहां से बचा ओनली हमारे पास माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर था, इसको इस तरफ ले आए तो प्लस का हो गया बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया प्लस का हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। आगे अब इसे हम जो है पीटीओ लिखा आगे पलटिए पन्ना पलटिए और आगे के स्टेप को हम हाँ प्यारे बच्चों देखिए अगला स्टेप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉल्व किया हमने इसे और अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे तरफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या अब चूंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दोनों तरफ हमने भाग दे दिया दोनों पक्षों में, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और तब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वर्गमूल लेने पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, यही आंसर हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, यही दिए हुए समीकरण का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों इसमें, अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिद्ध करो कि sin इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू पाई। अगले स्टेप में यहां हल में देखिए बच्चों, माना यहां हमने sin इनवर्स 12 बटे 13 को थीटा मान लिया, this implies sin theta is equal to 12 बटे 13, तो sin theta बराबर 12 बटे 13 हो गया, तब tan theta बराबर जो है 12 बटे 5, और tan theta बराबर हो गया फिर ये 12 बटे 5, theta is equal to जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ theta is equal to tan inverse 12 बटे 5,
और चूंकि थीटा बराबर हमने जो है यहाँ साइन इनवर्स 12/13 लिया था और थीटा बराबर टेन इनवर्स 12/5 हुआ, चूंकि फॉर्मूला होता है फॉर्मूले से हमने इसको चेंज किया, थीटा इज इक्वल टू जो है साइन इनवर्स 12/5, इसलिए साइन इनवर्स 12/ जो है साइन इनवर्स जो है यहाँ 12/13 जो है यहाँ साइन इनवर्स जो है थीटा बराबर साइन इनवर्स 12/13, इसलिए साइन इनवर्स 12/13 बराबर टेन इनवर्स 12/5, और माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर जो है यहाँ हमने माना फाइव, कॉस इनवर्स 4/5 को फाइव माना तब कॉस फाइव बराबर हो गया 4/5, तथा इससे हमने टेन फाइव निकालते हैं, टेन फाइव के लिए फॉर्मूले से निकालने हैं या इस तरह से जो भी हमें तरीका लगे उससे भी निकाल सकते हैं, कॉस फाइव की वैल्यू मालूम है तो हम टेन फाइव निकाल सकते, तो टेन फाइव इक्वल टू 3/4 हो गया, और तब फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, और 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 है ही, क्योंकि 5 बराबर ये भी है 5 बराबर ही, इसका मतलब कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये कन्वर्जन हो गया। कॉस इनवर्स 4/5 को हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 12/13 को हम टेन इनवर्स जो है 12/5 लिख सकते हैं, यहाँ लिखा 12/5, यहाँ इसको हमने टेन इनवर्स 3/4 लिख लिया, सारा फंक्शन हमारा टेन में ही कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में देखते हैं, और LHS लिया इसका हमने, साइन इनवर्स 12/13 धन कॉस इनवर्स 4/5 धन टेन इनवर्स 63/16, दिस इंप्लाइज अब अगले स्टेप में हमने टेन इनवर्स 12/5 इसके स्थान पर 12/5, कॉस इनवर्स 4/5 के स्थान पर टेन इनवर्स 3/4 धन का यहाँ HTG लिखा टेन इनवर्स 63/16, और जिसको 63/16 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ चूंकि इसमें हम प्रयोग करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में tan इनवर्स इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करने पर यहां हम पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y / 1 माइनस xy, तो यहां हमने दिस इंप्लाइज में पाई प्लस लिखा, पाई क्यों लिखा, क्योंकि नीचे इसमें जो यहां आ रहा है आप देखें पाई प्लस tan इनवर्स जो है ब्रैकेट में 12/5 धन 3/4 बटे जो है 1 माइनस 12/5 गुणा 3/4, तो 12 36 बटे जो है 20, एक में से 36/20 घट रहा है, तो अर्थात ये जो है एक छोटा है और ये जो बड़ा है, तो यहाँ देखा हमने 12/5 गुणा 3/4 का मान एक से छोटा है, इसलिए हम इसको एक से छोटा माइनस का आ रहा है, अतः इसमें हम पाई जोड़ करके, तब ऐसी स्थिति जहाँ होती वहां हम पाई इसके साथ ऐड कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं होता, तो प्लस में बनाने के लिए इसे हमने यहाँ पाई ऐड किया, प्लस का पाई लिख दिया इसके साथ में, प्लस टेन इनवर्स अब ये तो वैसे ही लिखा हुआ था, और दिस इंप्लाइज पाई प्लस टेन इनवर्स ब्रैकेट में जब इसको हम 12/5 धन 3/4 को हल किया तो 48 धन 15/ जो है 20, नीचे वाले हल को किया तो 20 में से 36 घटा, 20 ऋण 36/20 तो 20 से 20 कट जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस टेन इनवर्स 63/16, और दिस इंप्लाइज अगले स्टेप में आए तब हमने पाई प्लस टेन इनवर्स, अब इसको हमने 20 से 20 कट गया, यहाँ 20 ऋण का 16 बचा 63/16, टेन इनवर्स जो है ऋण का 63/16 धन टेन इनवर्स जो है 63/16, अब चूंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ टेन इनवर्स जो है माइनस 63/16 इज इक्वल टू जो है यहाँ हमने लिखा पाई माइनस का टेन इनवर्स 63/16 प्लस का टेन इनवर्स 63/16, दोनों प्लस माइनस के होने से कैंसिल हो गए, केवल पाई आंसर हो गया, इज इक्वल टू जो है पाई बराबर RHS, यही हमें हिंस प्रूव यही सिद्ध करना था, RHS में पाई लाना था, तो यहाँ ये पाई यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, समीकरण cos इनवर्स रूट 6x प्लस का cos इनवर्स 3√3 ब्रैकेट में x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 को हल करना है, इस समीकरण को भी सॉल्व करना है, तो हल में हमने cos इनवर्स रूट 6 प्लस का कॉस इनवर्स 3√3x² इज इक्वल टू पाई बाई 2 या कॉस इनवर्स 3√3x² इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको हमें पक्षांतरण कर दिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट 6x इज इक्वल टू अब पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ x की जगह पे जो है क्या है रूट 6x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 6x हो गया, फिर हमने साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करें, अगले स्टेप में इसको करेंगे, तो यहाँ कॉस इनवर्स 3√3x² इज इक्वल टू यहाँ हो गया साइन इनवर्स
रूट सिक्स एक्स, इसको हमने रिप्लेस किया, चेंज किया कॉस इनवर्स में, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस जो है रूट सिक्स एक्स का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में कॉस इनवर्स थ्री रूट थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। चूंकि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सूत्र होता है, तो यहाँ हमने वही सूत्र का प्रयोग कर दिया है और इसको इस तरह से वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर लिखे स्क्वायर रूट में, और दोनों तरफ कॉस इनवर्स है इसलिए यहाँ से कॉस इनवर्स को जो है खत्म किया, तो थ्री रूट थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड का स्क्वायर किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पाया हमने सत्ताईस एक्स की घात चार बराबर वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और सत्ताईस एक्स की घात चार पक्षांतरण करके सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इसको समानित द्विघात समीकरण है, इसको चार घात दो घात और शून्य घात, तो हम इसको जो है सीधे हल कर लेते, सत्ताईस एक्स की घात चार इसके जो है सीधा समानित द्विघात बना करके हम इसको हल करते हैं उस फॉर्म में। तो यहाँ सिक्स एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया हमने नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिखा, दोनों का गुणा करने पर ऋण का सत्ताईस एक्स की घात चार हो जाएगा, जोड़ने पर धन का छह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 27x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने 9x स्क्वायर कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 1 बचा, माइनस का इसमें से 1 लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि जो है 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू तब माइनस का 1 अपॉन 3, जो कि जो है मान्य नहीं है, जो कि मान्य नहीं है, अतः इसमें जो है चूंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा अतः ये जो है आपका यूं मानिए जो है वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं होगा। तब हमने दूसरा पद लिया, यदि 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 9x स्क्वायर इक्वल 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 3, दोनों तरफ का वर्गमूल लिया तो x का मान प्लस माइनस 1 अपॉन 3 आया, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आज की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली क्लास का अंतिम क्लास और अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर है नौवां क्वेश्चन, समीकरण 4 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π को हल करो दिया है, जबकि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π, तो हमने sin 4 sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π इसको हमने दो टर्म में तोड़ दिया, 3 sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, क्योंकि 4 sin इनवर्स x को दो भागों में 3 sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो यहां हमने पाई बाई 2 इसमें पुट कर दिया, 3 sin इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई, देन 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पक्षांतरण से पाई माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब 3 sin inverse x बराबर pi by 2 sin inverse x बराबर pi by 6 जो है यहाँ pi by 2 3 का भाग दे दिया, pi बटे 2 में 3 का भाग दिया तो pi बटे 6 हो गया, sin inverse x बराबर pi बटे 6, तब x बराबर sin pi बटे 6 हो गया, और sin pi बटे 6 अर्थात sin 30 का मान हम जानते हैं 1 बटे 2 होता है, तो x बराबर 1 बटे 2 और इस प्रश्न का हल जो है 1 बटे 2 आया, x का मान 1 बटे 2 आया। इस तरह से क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन पूरा हुआ बच्चों, अब आपको आगे हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब इसका छठे लेक्चर के बाद जो है इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अंतिम लेक्चर के बाद, अब चैप्टर पूरा हो गया है, चैप्टर पूरा होने के बाद अभी आपने पूरा पढ़ लिया है, अभी ये आपने जो है एक्सरसाइज पूरा पढ़ा जो है लेक्चर पूरा पढ़ा, इस क्लास पढ़ने के बाद इसके लिए आपको यहाँ 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं जो आपने आज पढ़े हैं, प्रश्न इन पर आधारित क्वेश्चन हैं, आशा है कि आप इन प्रश्नों को जो है सरलता पूर्वक और आसानी से करेंगे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सानंद रहिए, बस इसी संदेश के साथ अगले दिन आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चनों की जो एक श्रृंखला डाली जाएगी, प्रश्नमाला डाली जाएगी जो वीकली टेस्ट के रूप में होगी। धन्यवाद।